हेलो एवरीवन, कैसा काय। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो ट्रिक देने जा रहा हूँ वो डी ब्लॉक से रिलेटेड है और डेट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। तो ध्यान से देखो, एक वर्ड है 3D। तो यू नो, सब जानते हैं राइट, 3D डेट मीन्स डी ब्लॉक का फर्स्ट सीरीज 3D से स्टार्ट होगा राइट। इसलिए अगर आपको पीरियड पूछा जाए तो डी के आगे जो नंबर होगा उसमें एक जोड़ देना है तो वो पीरियड हो जाएगा। जैसे 3D सीरीज का पीरियड कौन हो जाएगा, फोर्थ पीरियड। वैसे ही अगर मुझे 5D का पूछा जाए तो 6th पीरियड हो जाएगा। तो नाउ द पॉइंट इज कि हम 3D, 4D, 5D एंड 6D एलिमेंट को याद कैसे रखेंगे। वेरी सिंपल, ध्यान से देखो, मैंने 3D के एलिमेंट को लिख दिया है। तो कैसे याद रखेंगे उसका निमोनिक्स, वेरी सिंपल है, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, फिर कोई नया कप जीतेगा। और ये 99% इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। और इसका एटॉमिक नंबर स्टार्ट होगा 21 से, एंड होगा 30 पे। क्यों? क्योंकि डी ब्लॉक में 10 एलिमेंट होते हैं। सिमिलरली 4D को कैसे याद रखेंगे, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राहों में पड़े तो आगे कूद जाना। ये सिंपल राइमिंग वर्ड से आप याद रख सकते हैं, डेट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 39 एंडिंग एट 48। नेक्स्ट 5D को कैसे याद रखेंगे, ला हफ्ता, दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो हफ्ता, वरना रे उससे इधर पिटाई और होगी। तो इसमें एक 57 होगा, उसके बाद 14F वाले होंगे, इसलिए उसके बाद नेक्स्ट जो नंबर स्टार्ट होगा वो 72 to 80 होगा। इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। वैसे ही 6D को कैसे याद रखेंगे, तो वेरी सिंपल, AC से अच्छा रफी सर दोबारा सॉन्ग भूलेंगे, हंसो मत दूसरा राग सुनो। तो आपको ये याद हो जाएगा ये निमोनिक से। अगेन इसमें एक्टिनियम 89, उसके बाद 14F वाले आएंगे तो फिर डी स्टार्ट होगा, इसलिए 89 के बाद डायरेक्ट जंप है 104 से 112 तक। तो इस पे बेस क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक बार पूछा गया है, चार ऑप्शन दे देगा विच बिलोंग्स टू डी ब्लॉक एलिमेंट एटॉमिक नंबर। तो उसमें एक ये ऑप्शन था 21, आप देख सकते हो ये फर्स्ट नंबर हो जाएगा, 25 इसी के बीच में आ जाएगा 21 टू 30 में, 42 आप देख सकते हो 39 टू 48 में आ जाता, एंड 72 जो कि यहाँ पे आ जाएगा 5D सीरीज में। तो चार ऑप्शन क्रिएट कर करके कौन सारे डी ब्लॉक एलिमेंट के एटॉमिक नंबर है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप ध्यान से देख ले, डाउन द ग्रुप डी ब्लॉक के एलिमेंट को कैसे याद रखेंगे, उसके लिए सिंपल ट्रिक है। थर्ड ग्रुप के लिए स्कूटर यामाहा ला, फोर्थ ग्रुप के लिए टी जरा हाफ, फिफ्थ ग्रुप के लिए वो नोबॉल था, सिक्स ग्रुप के लिए कोरोना मौत वाला, सेवन्थ ग्रुप के लिए मन तक रे, एट ग्रुप के लिए फिर रुलाया उसे, नाइन्थ ग्रुप के लिए कौन रहेगा इधर, टेंथ के लिए नहीं पढ़ोगे पिटोगे, और एलेवंथ के लिए क्यों आगे आऊं, ट्वेल्थ के लिए जैनब कनाडा होगी। तो ये आप ग्रुप वाइज कैसे याद रखेंगे, इसका ट्रिक है। पॉइंट इसमें जो ध्यान देना है कि ग्रुप नंबर 3 में अगर पहले एलिमेंट स्कैंडियम, जिसका मालूम है 21 होता है एटॉमिक नंबर, तो उसी ग्रुप के रेस्ट ऑफ द एलिमेंट का क्या एटॉमिक नंबर होगा। तो आपको पहले 18 जोड़ देना है 21 में, फिर 18 जोड़ना है, फिर 32। बट 4 से लेकर के 12 तक में आपको पहले 18 जोड़ना है, उसके बाद 32 और 32। क्यों? क्योंकि 14F वाले आ गए। तो जिसका एक एग्जांपल भी लिया मैंने कि अगर मुझे स्कैंडियम का मालूम है 21 एटॉमिक नंबर, तो उसी ग्रुप के रेस्ट ऑफ द एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, पहले 18 जोड़ना है तो 39, फिर 18 जोड़ना है तो 57, फिर 32 जोड़ना है तो 89। ये थर्ड ग्रुप के लिए लगाना है। 4 से लेकर के 12 तक, जैसे मैंने ये फोर्थ ग्रुप कर लिया तो टाइटेनियम का मालूम होता है सभी को 22, अभी ट्रिक भी दिया, उसके बाद 18 जोड़ो तो 40, फिर 32 जोड़ना है तो 72, फिर 32 जोड़ेंगे तो 104। तो उसी ग्रुप के रेस्ट ऑफ द एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इस ट्रिक से आप निकाल सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इस पे बेस क्वेश्चन पूछे गए हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पे साइज इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, 3D से बड़ा साइज 4D का होता है और 4D और 5D का साइज अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाता है ड्यू टू लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। तो इसलिए उसको बोलते हैं लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। तो वो किस वजह से होता है ये भी पूछा जाता है, तो 4F सबसेल की पुअर शील्डिंग की वजह से। वैसे ही एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन किस वजह से होगा,
5F सबशेल की पोअर शील्डिंग की वजह से। इस पे बेस क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, तो उसका एक एग्जांपल लिया है कि कॉपर से बड़ा रेडियस एजी का होगा सिल्वर का, और गोल्ड और सिल्वर का ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ऐसे पूछ सकता है, या फिर ऐसे पूछा जाता है कि चार ऑप्शन दे दिया विच इज हैविंग अप्रॉक्सीमेटली सेम साइज। तो ध्यान दे, सिर्फ 4D और 5D का अप्रॉक्सीमेटली सेम साइज होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे गए, आपको इसको ध्यान में रखना है। डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे सिंपल ट्रिक से। तो विनो की फर्स्ट सीरीज है 3D, राइट, जो स्टार्ट होता है 21 से एंड होता है 30 पे। तो आपको कैसे लिखना है, इसका नियरेस्ट नोबल गैस हो गया आर्गन, जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे, राइट। अब जो रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसमें पहले इलेक्ट्रॉन को आपको एस सबसेल में भरना है, और किस में, एस में वन होगा, कूकर वर्ड से याद रखेंगे, कूकर, डेट मीन्स क्रोमियम एंड कॉपर में एस में वन होंगे। तो रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन आपको कहाँ भर देना है, डी में, अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। और अगर कूकर नहीं है, रेस्ट ऑफ द 8 एलिमेंट है, तो आपको उसमें एस में पहले 2 इलेक्ट्रॉन भर देना है और फिर रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डी में भरना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैगनीज, तो 25 एटॉमिक नंबर, ये सभी को याद रहता है, राइट, 21 से 30 तक है। तो आपको क्या कर देना है, आर्गन 18 हो गया, राइट, और चूंकि ये कुकर में नहीं आ रहा है तो एस में 2 भर दो, तो 4s2, तो 20 हो गए। तो टोटल कितना भरना है, 25, 20 भर गए, तो 3d में कितना हो जाएगा, 5, ये कहने का मतलब है। वैसे मान लो मुझे कॉपर का भरना है, तो 29 है, तो आर्गन 18 हो गए, राइट, लेकिन ये कुकर वाला है तो एस में 1, तो 4s में 1, तो ये कितने हो गए, 19 हो गए, और 29 भरना है मतलब 10 और भरना है, तो इसलिए 3d में कितना हो जाएगा, 10। ऐसे सिंपल आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो समझ गए होगे कि कुकर में एस में 1 रखना है, बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट में एस में 2, तो ये भर गया, उसके बाद जितना बचेगा डी में अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी भर चुका है एस एंड पी में, जो कि आर्गन तक आ जाएगा। सिमिलरली अगर 4D की बात करें, तो ध्यान से ये भी देखना है कि जैसे D के आगे जो नंबर होगा उससे एक ज़्यादा नंबर S के आगे होगा, तो 4D वाले में उसका नियरेस्ट नोबल गैस 36 क्रिप्टन हो जाएगा, और 39 से 48 तक आपको भरना होता है। तो कैसे भरेंगे, सेम वही। तो यहाँ पे क्या ट्रिक का पॉइंट है, 3, 4, 12 मतलब क्या हो गया, ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4 एंड ग्रुप नंबर 12, 3, 4, 12 स्टार्ट होता है, जो आपका डी ब्लॉक वो थर्ड ग्रुप से स्टार्ट होता है। 3, 4, 12 का क्या मतलब हो गया कि लास्ट में 2 आ रहा है, तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन रखना है इसमें, तो रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, डी में। अगर 10th ग्रुप है, तो 10th ग्रुप में लास्ट में क्या आ रहा है, 0, तो एस में उसमें 0 होंगे, डैट मीन्स सारा का सारा इलेक्ट्रॉन उसमें किस में होगा, डी में होगा, और रेस्ट जो भी बच गया, डैट मीन्स थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, ट्वेल्थ ग्रुप और 10th ग्रुप को छोड़ करके बाकी जो ग्रुप बच गए हैं डी ब्लॉक के, उस समय रेस्ट में एस में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये याद रखना बहुत ईजी है, 4D वाले में 3, 4, 12 में 2, एस में 10 में 0, 10th ग्रुप में, बाकी सब में एस में 1, राइट। सिमिलरली अगर 5D की बात करें, तो 57, उसके बाद F के 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसलिए 72 to 80 इसका एटॉमिक नंबर रहेगा। तो आपको कैसे भरना है, D के आगे 5 है, राइट, तो S के आगे 6 हो जाएगा। इसमें पॉइंट क्या देना है, इसका नियरेस्ट नोबल गैस जो हो गया वो ज़ेनॉन 54। तो इसमें पॉइंट क्या है कि देखो 10 और 11 ध्यान में रखना है, 5 to the 10 and 11, 10 और 11 में पहला डिजिट कौन है, 1, 1, तो इसमें S में 1 रखना है, बाकी रेस्ट जितने भी एलिमेंट बच गए, डैट मीन्स 10th और 11th ग्रुप को छोड़ करके 3 से 12th ग्रुप वाले जितने भी एलिमेंट होंगे 5D सीरीज वाले, उसमें S में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो S में 2 हो गया, तो रेस्ट कितने किस में होगा, D में होगा, राइट। सिमिलरली अगर 6D का लिखें, तो D के आगे 6 है, तो इसलिए S के आगे 7, उससे एक ज़्यादा होगा, जो पीरियड को भी बताता है। तो इसका नियरेस्ट नोबल गैस हो गया रेडॉन, इसमें एक एलिमेंट 89, उसके बाद फिर F के 14 हो जाएंगे, राइट, जैसे यहाँ पे था वैसे यहाँ पे, इसलिए 104 से 112 तक इसका एटॉमिक नंबर रहेगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में क्या पॉइंट ध्यान रख रहा है, सिर्फ ग्रुप नंबर 11th में 1 आ रहा है, तो उसमें S में 1 होगा, बाकी रेस्ट जितना भी एलिमेंट बच गया, डैट मीन्स 3 से लेकर के 12th में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 12, इन सब में S में 2 पहले भर देना है, उसके बाद रेस्ट ऑफ द एलिमेंट आपको D में भरना है। तो ये है आपका एक ट्रिक फॉर राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान दो, ये 99% ध्यान से सुनना बेटा, 99% क्वेश्चन कहाँ से आएगा आपका,
3D सीरीज से, इसलिए हमें इसको ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 99% क्वेश्चन आपका 3D सीरीज से आता है, और 3D सीरीज सबको याद होते हैं 21 से 30 है एटॉमिक नंबर, राइट। और आपको निमोनिक्स भी दे रखा है, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, फिर कोई नया कप जीतेगा। तो ये एटॉमिक नंबर और एलिमेंट को याद रखना है, क्योंकि 99% क्वेश्चन वहीं से आएंगे। और उसमें आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेंगे, उसके लिए सिंपल सा ट्रिक है कि डी में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ये अगर आपको फाइंड आउट करना हो नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस पे बेस बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो भी मैं एप्लीकेशन में बताऊंगा भी। तो नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर 21 से 30 के बीच वाला जो भी एलिमेंट होगा, माइनस 18 जो एस एंड पी में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, दैट इज आर्गन का एटॉमिक नंबर, वो माइनस कर देना है, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट। तो उसके एटॉमिक नंबर में से 18 और ऑक्सीडेशन स्टेट को माइनस कर दो, जो नंबर बचेगा वो नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन है। और डी में इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप करते हैं, पहले सिंगल सिंगल 1, 2, 3, 4, 5 पहले सिंगल सिंगल बनना है। इसलिए यहाँ से हमें यह भी पता लग रहा है कि मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में कितना हो सकता है, 5। उसका जब 6 होगा तो पेयर होंगे, तो इसमें आ जाएगा 6, फिर 7, 8, 9, 10 इस टाइप से आपको बढ़ना है। डी में 5 घर हैं और 10 लोग रह सकते हैं, ऐसा समझ लो। नाउ द पॉइंट इज कि कभी भी अगर मान लो कि सर ये नहीं पूछा, इधर से पूछ दिया, तो वेरी सिंपल है, क्योंकि सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बता दिया है। कभी भी इलेक्ट्रॉन रिमूव करना हो, अगेन पॉइंट पे ध्यान देना है, कभी भी इलेक्ट्रॉन रिमूव करना हो तो सबसे पहले आपको एस सबशेल से हटाना है। जो भी आयंस बनते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ से रिमूव होगा, एस से, देन उसके बाद डी से रिमूव करना है। इस पॉइंट पे ध्यान देना, डी ब्लॉक के जितने भी आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो उसका एटॉमिक नंबर मालूम होगा, तो पहले इलेक्ट्रॉन आप कहाँ से हटाओगे, एस वाले से। कहाँ कहाँ से, ध्यान से देखो, ये एस वाले से आपको रिमूव करना है, उसके बाद डी से रिमूव करना है अकॉर्डिंग टू इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड 99% क्वेश्चन 3D सीरीज से आएंगे। तो आपको मैंने 3D सीरीज अपने निमोनिक से याद करवा दिया है, 21 से 30 तक काउंट करने सभी को आता है, राइट। वीनो की डी ब्लॉक ग्रुप 3 से स्टार्ट होता है और ग्रुप 12 पे एंड होता है, तो जो ग्रुप नंबर है उतना ही इलेक्ट्रॉन मैंने लिख दिया सभी में, ग्रुप नंबर 3 इलेक्ट्रॉन, 4, 5 एंड सो ऑन 12 तक। डैट मीन्स सबसे हमने 18 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, क्योंकि उसका प्रॉब्लम नहीं है। अब हमको जो सोचना है वो ये इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचना है, 3, 4, 5, 6, 7 उसमें से भी 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, एस में जाएगा, बाकी किस में जाएगा, डी में। तो ट्रिक का पॉइंट यही है कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन भर देना है, बाकी डी में। सिर्फ ध्यान कहाँ पर रखना है, वीनो की डी में 5 घर होते हैं, राइट, इसलिए हाफ फील्ड या फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है। तो 24 में देखो, 24 में 4 आ रहा है, 4 मतलब क्या हो गया, ये 4 घर भरेंगे, राइट, तो एक और घर भरना चाहिए सो डेट कि ये हाफ फील्ड हो जाए। इसलिए 24 के केस में हमें एकदम अलर्ट रहना है कि वहाँ पे डी में 5 करना पड़ेगा। सिमिलरली 29 से क्लियर है हमें, तो 9 भर जाएंगे, मतलब यहाँ तक भर जाएगा, ये एक सिंगल रहेगा, फुलफिल होने के लिए एक और होना चाहिए, इसलिए 9 वाले को हमें 10 कर देना है, डैट मीन्स कॉपर में हमें अलर्ट रहना है। तो देखो वेरी सिंपल, ग्रुप नंबर से इलेक्ट्रॉन आ गया, 3 में 2 इलेक्ट्रॉन एस में, 1 डी में, क्योंकि टोटल 3 इलेक्ट्रॉन भरना है। ग्रुप नंबर 4 इलेक्ट्रॉन कैसे, एस में 2 डी में 2, 5 एस में 2 डी में 3, यहाँ पे 6, तो बट वीनो की 24 है, राइट, तो एक डी में और चला जाएगा, तो एस में कम हो जाएगा, तो एस में 1 डी में 5, तो सिर्फ ये पॉइंट ध्यान रखना है। फिर एस में 2 डी में 5 आपको भरते हुए जाना है, 8 है तो एस में 2 डी में 6, 9 है तो एस में 2 डी में 7, 10 है तो एस में 2 डी में 8, 11 है तो एस में 1 डी में 10, अगेन यहाँ पे कूकर वर्ड से वैसे भी आपको याद करवा रखा हूँ, और एस में 2 डी में 10। इससे क्या फ़ायदा हुआ, देखो काम का आपका बस यही है, इससे फ़ायदा क्या हुआ, किसी भी आयंस या एलिमेंट का पूछा जाए 3D सीरीज में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी आंखों के सामने 2 सेकंड में। जैसे टाइटेनियम प्लस 2, तो ध्यान से देखो पहले एस से जाएंगे, जब भी इलेक्ट्रॉन रिमूव करना हो तो पहले एस से फिर डी से, 2 रिमूव करना है, एस से 2 चला गया तो बचा कितना, डी में 2। Mn प्लस 4, तो S से पहले 2 जाएंगे और 2 और निकालना है, तो D से 2 जाएंगे तो क्या हो जाएगा, D3, ऑलवेज S से पहले रिमूव करना है। कोबाल्ट प्लस 3 में आप देख लो, S से 2 जाएंगे और एक और निकालना है, तो D6। निकेल प्लस 2 में S से 2 जाएंगे तो D8।
और कॉपर प्लस टू में एस से एक जाएगा, डी से एक जाएगा, तो डी नाइन। तो आप देख सकते हो कितना क्विकली आपने सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। नाउ अब हम बात करते हैं अप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। तो आपको मैंने पहले बोल दिया 99% क्वेश्चन हमारा 3D सीरीज से आएगा। तो आपको क्या करना है, 3D सीरीज वाले जितने भी एलिमेंट हैं उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना है। अगर गिवन है डायरेक्ट तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई कंपाउंड गिवन है तो उसमें उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन आपको निकाल लेना है सभी में। नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, एटॉमिक नंबर उस एलिमेंट का कितना है, -18 आर्गन तक का इलेक्ट्रॉन माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट। एक बार आपको डी में इलेक्ट्रॉन पता लग गया तो क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है उस पर बेस ध्यान से देखो। पॉइंट नंबर वन, डी में इलेक्ट्रॉन मालूम है तो पहला चीज पूछेगा मैग्नेटिक मोमेंट बताओ। तो म्यू इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ एन इंटू एन प्लस टू, ये फार्मूला है लेकिन हम यूज नहीं करेंगे कैलकुलेशन में। वेयर एन क्या है, नंबर ऑफ ध्यान दें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सिंगल सिंगल जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आपको पुट करना है यहाँ पे। इस फॉर्मूले का हम ज़्यादा यूज नहीं करेंगे डायरेक्टली, हमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता लग गया अगर x, तो म्यू की वैल्यू 6.9 आपको कर देना है, उसके आसपास वाले को आंसर को टिक कर देना है, राइट। और अगर नियरेस्ट इंटीजर में पूछे तो चूंकि 6.9 है तो इसलिए नियरेस्ट इंटीजर में एक्स प्लस वन हो जाएगा। जैसे सपोज करो एन की वैल्यू 2 है तो म्यू क्या कर देना आपको 2.8 2.9 वाला आसपास का आंसर टिक कर देना है, और नियरेस्ट इंटीजर में क्या हो जाएगा वो 3। इस पॉइंट को ध्यान देखें, कभी कभी म्यू दे दे 3.97 ऐसा दे दिया तो अनपेड इलेक्ट्रॉन डेसिमल से पहले जो पॉइंट होगा वही अनपेड इलेक्ट्रॉन को बताएगा। इस पॉइंट को भी ध्यान देना, कहीं पर अगर म्यू 5.92 है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 5, डेसिमल से पहले जो नंबर होगा वो अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। पॉइंट नंबर टू, इस पे बेस और क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, चूंकि डी में इलेक्ट्रॉन आप भर लोगे, अगर डी में 1 से लेकर के 9 इलेक्ट्रॉन है तो जरूर कोई ना कोई एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो पैरा मैग्नेटिक होगा और कलर भी शो करेगा। तो कहीं पर अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है चार ऑप्शन दे करके कि कौन कलर शो करेगा, तो आपको डायरेक्ट माइंड पे जाना चाहिए कि किसमें D1 से D9 कॉन्फ़िगरेशन है। कहीं पर अगर D0 या D10 है तो डाया होगा और जनरली वो कलरलेस होंगे, राइट। तो इस पॉइंट का ध्यान देना, और ये चीज़ कहाँ पे लगाना, जब लिगेंड ना हो, डैट मीन्स वी आर टॉकिंग ओनली डी ब्लॉक। जब कोऑर्डिनेशन में बात करेंगे तो फिर लिगेंड का इफेक्ट देखना पड़ेगा। नाउ और कैसे पूछा जा सकता है, तो यूनो की जो हाफ फील्ड होती हैं कॉन्फ़िगरेशन वो स्टेबल होती हैं, इसलिए कहीं पे अगर डी में 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो 5 बनने की कोशिश करेगा सो डेट कि वो हाफ फील्ड हो जाए। तो 4 से 5 कब जा सकता है, गेन करके इलेक्ट्रॉन को। तो D4 कॉन्फ़िगरेशन वाले अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, तो पूछा जा सकता है कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। सिमिलरली अगर डी में 6 इलेक्ट्रॉन है तो वो 5 बनने की कोशिश करेगा, और कैसे बन सकता है, एक इलेक्ट्रॉन आउट होकर के रिलीज कर करके, तो क्यों, क्योंकि हाफ फील्ड हो जाएगा। तो ऐसे केस में D6 कॉन्फ़िगरेशन वाले अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो अदर को रिड्यूस करें, इटसेल्फ क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज। तो इस टाइप से पूछा जा सकता है कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इस पे बेस प्रॉब्लम को कैसे पूछा जा सकता है कि किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, किसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, तो वहाँ पे हाफ फिट या फुल फिट सोचना आपको। तो पॉइंट नंबर 3 को कैसे अप्लाई करना है आपको, कि ऐसे पूछा जा सकता है कि कहीं पर अगर Mn+3 में है तो यूनो कि उसमें D4 कॉन्फ़िगरेशन है तो वो +2 में जाना चाहेगा ताकि D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, हाफ फील्ड हो गया। तो ये 3 से 2 में कब जा सकता है, जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसलिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ऐसे पूछा जा सकता है। और सिमिलरली Mn+3 पर अगर एसिड डालें डायलूट H+, तो आपको H2 नहीं मिलने वाला, क्यों, क्योंकि H+ को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों तो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकते, राइट। कोई एक रिलीज करेगा तो दूसरा गेन करेगा, तो इसलिए डाइल्यूट एसिड से Mn+3 रिएक्ट नहीं करेगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि क्रोमियम +2 से +3 में जाएगा, यस जाएगा, क्यों, क्योंकि क्रोमियम जो है उसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, क्रोमियम का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, तो स्टेबल या कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ भी जाने की कोशिश करता है, तो क्रोमियम +2 से +3 में जाएगा। अब +2 से +3 में कैसे जा सकता है, एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके, तो इसलिए इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और अगर क्रोमियम +2 के किसी कंपाउंड पर अगर मैं एसिड डालूं H+, तो हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा, क्योंकि क्रोमियम +3 में जाना चाहेगा। तो इस टाइप से आपको पूछेगा इनडायरेक्ट वे में, इसलिए ध्यान देना, मैंने सारे पॉइंट को लिस्ट आउट किया है।
पॉइंट नंबर फोर और कैसे पूछा जा सकता है, तो जितने भी छापा वाले हैं, छापा इन द सेंस कॉपर HG AG PT AU ये पांच एलिमेंट, ये लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, इसलिए इस पर अगर इन सब एलिमेंट पे आप डायलूट एसिड ऐड करोगे तो आपको हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर पे डायलूट एसिड डालोगे तो आपको हाइड्रोजन गैस नहीं मिलने वाला, और इन सब का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। चार ऑप्शन दे देगा विच इज हैविंग पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल, तो छापा वर्ड से आपको याद रखना है, राइट। और ये सब हाइड्रोजन गैस आपको रिलीज नहीं करेंगी डायलूट एसिड से रिएक्ट करने पे। पॉइंट नंबर फाइव, ऑक्सीडेशन स्टेट का और क्या यूज हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम है मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो सारे एलिमेंट का हमने कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा है, ये उसकी तरफ जाने की कोशिश करेंगे। जैसे स्कैंडियम का तो फिक्स ही है +3, उसके अलावा और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा। जिंक का फिक्स है +2, इसके अलावा और कोई नहीं करेगा। बाकी एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है या कॉमन यू कैन से जिसकी तरफ जाना चाहेगा, तो टाइटेनियम ऑलवेज 4 की तरफ जाना चाहेगा। डैट मीन्स कहीं पे टाइटेनियम +2 है तो +3 बनने की कोशिश करेगा, और +3 है तो +4, 4 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो डैट मीन्स वो ऑक्सीडाइज होगा, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। इस टाइप से आपको एप्लीकेशन लेगा वो। सिमिलरली वैनेडियम +5 में जाने की कोशिश करेगा, क्रोमियम आइदर 3 में, जो यहाँ पे समझाया 2 में है तो 3 में जाने की कोशिश करेगा, या 6 में। मैंगनीज 2 है +2, इसका स्टेबल है या कॉमन है, और 7 इसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। आयरन 2 है तो 3 में जाने की कोशिश करेगा, कैसे ध्यान से देखो, आयरन 2 में है तो डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 में जाएगा तो डी में 5, तो क्या हो जाएगा, हाफ फील्ड हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। और अगर इसकी रिएक्शन आयरन +2 की रिएक्शन किसी एसिड डाइल्यूट एसिड से कराएंगे तो H2 गैस मिलेगा। इस टाइप से आपसे पूछा जाएगा, इसलिए मैंने बिल्कुल कंसेप्चुअल बात किया है कि कैसे आपको थिंक करना है। वैसे कोबाल्ट का 2 और 3 होता है, निकल का 2 है, कॉपर का 2 है, दीज आर द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो इसको अप्लाई करना चाहेगा वो, तो आपको देखना है कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ पे है, तो उससे वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, और अगर उससे ज़्यादा हो गया तो पीछे आने की कोशिश करेगा, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन अच्छा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन हाइड्रोजन गैस दे सकता है, कलरलेस कौन होंगे, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप देख लेना 99%। नाउ अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। क्वेश्चन नंबर 1 में म्यू गिवन था 3.87 बोर मैग्नेट्रॉन, तो वो कौन सा एलिमेंट होगा वो पहचानना था, तो आपको बता रखा हूँ ट्रिक। 3.87 है तो डेसिमल से पहले वाला एन दे देगा, तो अनपेयर्ड 3 है, डैट मीन्स डी में इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, ध्यान से देखो 3 है, राइट। और वी नो पहले इलेक्ट्रॉन किससे निकलता है, एस से, तो 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, ये एस से निकलता है, तो वो 2, 5 और 18 एक्स्ट्रा जोड़ना है, तो कितना होगा 23, तो एटॉमिक नंबर 23 किसका होता है, वैनेडियम का, क्विकली आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोएस्ट एन्थैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे को समझ में आता है क्या करना है, भाई लोएस्ट एन्थैल्पी ऑफ हाइड्रेशन मतलब वाटर में कम से कम किसका हाइड्रेशन एन्थैल्पी होगा, तो Mn+2 का हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये कहाँ पे है, हाफ फील्ड में है, बस आपको यही सब सोचना क्वेश्चन है, कहाँ पे हाफ फील्ड हो रहा है, फुल फील्ड हो रहा है, इस टाइप का, बाकी सब में नहीं है। और वैसे भी आपको मालूम है कि ये सब आगे जा सकता है क्रोमियम +2 से +3 में, क्यों, क्योंकि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 3 था, तो और ज़्यादा आगे डिजोल्व हो सकता है, हाइड्रेशन एन्थैल्पी ज़्यादा होगा, आयरन +2 से +3 में आएगा हाफ फील्ड होने की वजह से, राइट। कोबाल्ट भी इसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, तो ये और आगे जाएगा, लेकिन ये यहीं पर रहेगा, तो इसलिए इसका लोएस्ट एन्थैल्पी ऑफ हाइड्रेशन होगा। तो क्वेश्चन में लगाना वही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड फुल फील्ड, लेकिन पूछने का तरीका इनफिनाइट हो सकता है, इसलिए ध्यान से समझना है। सिमिलरली कौन कलरलेस है, इस टाइप के क्वेश्चन आ गए तो ध्यान से देखो, स्कैंडियम +3 है तो D0 है, Zn+2 तो D10 है, D0 D10 वाले क्या होते हैं, कलरलेस, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, इस टाइप से पूछा जा सकता है। बाकी सभी में आप चेक करो, किसी न किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो पैरामैग्नेटिक भी होगा, कलरफुल भी होगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4, लीस्ट टेंडेंसी टू लिबरेट हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कौन लिबरेट नहीं करेगा, छापा वाले से याद देखो ध्यान से, कॉपर हो जाएगा, आपको डायरेक्ट ट्रिक बता रखा हूँ। सिमिलरली इस टाइप से 3 कंपाउंड गिवन थे, MnF4, MnF3, MnF2, इसमें पूछा जा रहा है कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसका मैग्नेटिक मोमेंट नियरेस्ट इंटीजर में, अब बच्चे तो यहीं पर नहीं पकड़ पाते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग कौन होगा, तो अभी आपको कंसेप्ट दिया था, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग वो होंगे जो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में जा सकते हैं,
यहाँ पे आपका मैंगनीज प्लस फोर में ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, यहाँ पे आपका प्लस थ्री में और यहाँ पे ये प्लस टू में, तो ये तो प्लस टू में ही रहेगा राइट। डी फाइव हो गया तो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे ये डी फोर में है और ये फाइव में जाने की कोशिश करेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग वो होते हैं जो अदर को ऑक्सीडाइज करें, इट सेल्फ रिड्यूस हो। तो ध्यान से देखो, फोर से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर करके फाइव में जाएगा, ये रिड्यूस होगा, तो ये एक अच्छा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर करके हाफ फील्ड में आ जाएगा। अब इसका हमें मैग्नेटिक मोमेंट बताना था, तो यहाँ पे मैग्नीज प्लस थ्री में है, आपको बता रखा हूँ 18 गए, उसके बाद मैग्नीज 25, तो सात इलेक्ट्रॉन है जिसमें से तीन निकाल देना है। तो डी में बचा कितना? फोर, और फोर के फोर क्या होंगे? अनपेयर्ड, क्योंकि पाँच तक अनपेयर्ड बनना है, तो एन की वैल्यू हो गया आपकी फोर। तो डायरेक्ट आंसर क्या लिखना आपको? नियरेस्ट इंटीजर में फाइव, उससे एक ज़्यादा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? फाइव। ध्यान से देखो, मैं कैलकुलेट कर ही नहीं रहा हूँ। फिर उसके बाद समझो सिक्स में क्या बोल रहा है कि ये चार अगर आयंस है तो कौन लिबरेट नहीं करेगा H2 फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। अब अगेन बच्चे सोचते हैं ऐसे कैसे होगा, कैसे समझेंगे? भाई सिंपल आपको बता रखा हूँ, टाइटेनियम का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट फोर है, तो अभी ये फोर तक जा सकता है तो ये तो देगा। वैनेडियम प्लस फाइव है उसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये भी आगे जाएगा, ये भी देगा। क्रोमियम प्लस थ्री या प्लस सिक्स है, ये भी आगे जाएगा, लेकिन कोबाल्ट का ऑलरेडी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट थ्री है तो ये अब आगे नहीं जा सकता राइट, तो इसलिए ये आपको हाइड्रोजन नहीं देगा। तो डैट मीन्स पहले क्वेश्चन में ये पहचानना था कि देगा कौन नहीं, फिर उसका पूछा था कि मैग्नेटिक मोमेंट बताओ। तो कोबाल्ट प्लस थ्री में, कोबाल्ट प्लस थ्री में होने का मतलब क्या हो गया आपका? 18 इलेक्ट्रॉन निकाल देना है और फिर तीन इलेक्ट्रॉन, तो 27 था, 18 निकाला तो कितना बच गया था आपका? 9, तीन निकाला तो 6, 6 में 5 तक भरेंगे फिर एक पेयर्ड हो जाएंगे तो चार अनपेयर्ड रहेंगे, तो इसका म्यू वैल्यू नियरेस्ट इंटीजर में कितना हो जाएगा? 5। देखो मैं कैलकुलेट ही नहीं कर रहा हूँ, कैसे मेरे सिंपल ट्रिक से हो रहा है। और ये भी समझ गए होंगे क्यों कोबाल्ट प्लस थ्री हाइड्रोजन नहीं दे रहा, क्योंकि बाकी सब ऑक्सीडाइज होंगे, तो ऑक्सीडाइज होंगे तो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो वही H प्लस गेन करके H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन कोबाल्ट प्लस थ्री ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। ऑक्सीडाइज नहीं होंगे डेट मीन्स इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निगेटिव भी होगा अगर आप कोशिश किए तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 में कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोजन तो क्या मिलेगा? तो विनो की कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है तो हाइड्रोजन उसको डिस्प्लेस कर सकता है, तो इसलिए कॉपर सिर्फ मिलेगा, बाकी चीज़ें नहीं मिल सकती। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कंसेप्ट वही रहेंगे, पूछने का तरीका चेंज होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे लो मैग्नेटिक मोमेंट किसका होगा? तो जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होंगे, निकाल लो निकल प्लस टू में सबसे कम होगा। क्यों? क्योंकि निकल प्लस टू मतलब क्या हो गया? डी में 8। कैसे कर दिया सर आपने इतना तेजी? ध्यान से देखो, निकल मतलब 28 में 18 हटा दो तो बचा कितना? 10। 10 में से एस में से दो जाएंगे, पहले एस से निकालना है, तो बचा कितना? 8। 8 कैसे बनेंगे? 5 सिंगल सिंगल और फिर तीन पेयर हो जाएंगे, तो अनपेड कितना बचेगा? यहाँ पे दो ही बचेगा, तो जितना कम अनपेड उतना लो मैग्नेटिक मोमेंट होगा। इन सब में अनपेड क्या हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएंगे। वैनेडियम में सर निकाल के बताओ, तो 2 प्लस है, एस से 2 गया होगा, 23 है, तो इसमें अनपेड 3 होंगे। क्रोमियम में ये कुकर वाला हो गया, एस से 1 जाएगा और डी से 1 जाएगा, टोटल 24 होता है, 2 निकल गए हैं, तो इसमें अनपेड कितना हो जाएंगे आपके? 4। आयरन प्लस 2 में 26 है, 2 चले गए, तो इसमें 6 डी में होंगे, अनपेड इसमें भी कितना होगा? 4। तो आप इजीली बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 में स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? तो ऑक्सीडाइजिंग वो होते हैं जो अदर को ऑक्सीडाइज करे, इट सेल्फ रिड्यूस हो, तो यू नो Mn प्लस 3 रिड्यूस होगा, प्लस 2 में आना चाहेगा। क्यों? क्योंकि प्लस 2 में D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड होगा, तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा। टाइटेनियम प्लस 3 में ये 4 में जाना चाहेगा राइट। आयरन प्लस 3 में ऑलरेडी D5 है, क्रोमियम प्लस 3 में ऑलरेडी इसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसलिए ये सब नहीं हो सकता। तो इस टाइप से आपको पूछे जाएंगे एप्लीकेशन प्रॉब्लम। 10 में कलर्ड सॉल्यूशन कौन होगा? तो जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे D1 से D9 वाले, तो ध्यान से देखो यहाँ पे कॉपर प्लस 1 है, D10 है, नहीं होगा। जिंक प्लस 2 है, D10 है, नहीं होगा। कॉपर यहाँ पे प्लस 2 है, D9 है, तो यही ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि Ag प्लस 1 D10 है। तो इस टाइप से आपको पूछा जाएगा, हर बार आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या डी में कितना इलेक्ट्रॉन है उसी से रिलेट किया जाएगा। 11 में कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिक, डेट मीन्स अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कॉपर प्लस 2 D9 अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, क्रोमियम प्लस 3 इसमें भी अनपेड होंगे, स्कैंडियम प्लस है सिर्फ इसमें भी अनपेड होंगे, तो इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी ऑप्शन में कैसे चेक करना है? जिंक प्लस 2 D10 नहीं होगा, यहाँ पे स्कैंडियम प्लस 3 D0 नहीं होगा, यहाँ पे Mn प्लस 7 D0 नहीं होगा, तो इस टाइप से आपको चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में आयरन का पूछा गया था म्यू कितना होगा। आयरन हो गया 26 हो गया, तो आप कैसे भरोगे? बता दिया था 18, फिर 4s2 20 और 3d6, तो d में 6 इलेक्ट्रॉन है,
पहले 1, 2, 3, 4, 5 फिर एक पेड हो जाएगा, तो n कितना हो जाएगा 4, तो म्यू डायरेक्ट कितना लिखोगे 4.9। आपको बता रखा हूँ डायरेक्ट ट्रिक, ये हो जाएगा नियरेस्ट इंटीजर में 5 हो जाएगा, राइट। सिमिलरली 13 में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका सेम है, तो यहाँ पे देखो क्रोमियम प्लस 1 कुकर वाला है, एस में एक होगा तो डी में इसके 5 हो जाएंगे, Mn प्लस 2 इसके भी डी में 5 हो जाएंगे क्योंकि इसमें दो होंगे, तो यही हो जाएगा आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों का सेम है, बाकी में नहीं होंगे। सिमिलरली 14 में Mn प्लस 2 से M0 में जाने का, डैट मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल किसका पॉजिटिव होगा, तो आपको बता रखा हूँ किसका होगा, छापा वाला जो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, तो देखो इसमें ये ऑप्शन डी कॉपर हो जाएगा डायरेक्ट, वेरी इजी उस ट्रिक से। 15 डज नॉट सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो डी ब्लॉक में 3D सीरीज में कौन कौन शो नहीं करता है, एक स्कैंडियम पहला वाला और एक जिंक लास्ट वाला, तो ध्यान से देखो स्कैंडियम है इसमें, तो स्कैंडियम नहीं शो करता है, ओनली एक ही होता है प्लस 3 और जिंक का एक ही होता है प्लस 2। तो आप ध्यान से देखो कि मैंने क्विकली 15 क्वेश्चन कर डाले, ये सब PYQ हैं और सिंपल मेरे ट्रिक से, आपको कुछ नहीं करना है, बस सब में डी में कितना इलेक्ट्रॉन है उसी को घुमा फिरा करके डिफरेंट वे में पूछा जा सकता है। नाउ जाते जाते ज्ञान की बात, और डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ध्यान दो 3D सीरीज में, डैट मीन्स जो डी ब्लॉक का फर्स्ट सीरीज है, 3D सीरीज में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसका हो सकता है, मैंगनीज का, जो कि 25 हो गया एटॉमिक नंबर, और ध्यान से देखना उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो सकता है प्लस 7, क्यों, क्योंकि उसके एस में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और डी में 5, तो ये टोटल 7 इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 3D सीरीज में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसका होगा, तो मैंगनीज का कितना होगा प्लस 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ध्यान रखना, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस में 2, N-1 में डी में 5, राइट। तो ये क्लियर होगा, वैसे ही पूरे डी ब्लॉक में, यहाँ पे 3D सीरीज में पूरे डी ब्लॉक में मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो सकता है 5.92, नियरेस्ट इंटीजर में 6 हो जाएगा क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितना हो सकता है 5। सिमिलरली मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ध्यान दें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होल डी ब्लॉक में, तो वो RU एंड OS का होगा, डेट इज प्लस 8, लेकिन 3D में पूछे तो मैग्नीज का होगा प्लस 7, पूरे डी ब्लॉक में तो प्लस 8 हो सकता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछे जाते हैं। वैसे ही एक पॉइंट और है कि जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी एक्वस सॉल्यूशन में, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, 4 ऑप्शन दे दिया, विच इज मोर स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन, तो आप ध्यान से देख सकते हो बी में सबसे ज़्यादा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, डेट इज 6, यहाँ तो ऑलरेडी दे दिया प्लस 2 है, यहाँ 6 से कम आएगा, यहाँ पे प्लस 1 है, तो इस टाइप के कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं। वैसे ही सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट किसका होगा, तो हाफ फील्ड या फुल फील्ड लगाना है, तो क्रोमियम का होगा, क्यों, क्योंकि वी नो क्रोमियम का 4s1 3d5 होगा, कुकर हो गया तो एस से एक इलेक्ट्रॉन पहले निकलेंगे ऑलवेज, आप जब दूसरा निकालने जाएंगे तो ये हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड होने की वजह से जल्दी निकलेगा नहीं तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा। तो आई होप मेरा यह प्रयास आपको बहुत पसंद आया होगा, डी ब्लॉक में बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं बेटा, जो आपको कंसेप्ट दिया है सबसे ज़्यादा जो कंसेप्चुअल है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, एक बार अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया सही सही तो उससे डिफरेंट वे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपके माइंड में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड फुल फील्ड यही चलना चाहिए और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके अलावा और कुछ नहीं, उस पर बेस्ट प्रॉब्लम आप कर लोगे। थैंक यू।